Assalamualaikum everyone I hope you all are good. My today's video's topic is annual system versus semester system. So there's a lot of confusion about semester system. So so first of all subscribe to my channel and share with the student. So let's start my video. So सबसे पहले मैं semester system की बात करती हूँ. Students भी होते हुए annual system से पढ़ के आए है, होते हैं like FSc उन्होंने की होती है और वो होता सारा annual system. जब वो अगर वो BSc करते हैं तो आगे जगह होता है सेमेस्टर सिस्टम तो उसमें स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी होती है तो आज मैं सारी इन शाला आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगी रिगॉर्डिंग सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम का तो आपको पता है उसके थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करूँगी और सेमेस्टर सिस्टम के ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस करूँगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ इफ़ यू आर डूइंग बी एस लाइक मी आई एम डूइंग बी एस इन फिजिक्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ टोटल एट सेमेस्टर्स एंड इट आफ फोर ईयर कोर्स एंड वन ईयर कंसिस्ट ऑफ टू सेमेस्टर्स और अगर लाइक आई एम डूइंग बी एस फ्राम जी सी वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट और जो मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो एक सेमेस्टर को फोर मंथ के लिए रिकमेंड करते हैं फोर मंथ्स में कवर करवा देते हैं पूरे सेमेस्टर इसके अलावा अगर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होती है डिफरेंट मंथ जो रिकमेंड करते हैं लाइक फिफ्थ मंथ का भी होता है और सिक्स मंथ का भी होता है ठीक है तो अब मैं सेकेंड पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करती हूँ क्लस्टर सिस्टम में होते हैं क्विजिस असाइनमेंट्स एंड प्रजेंटेशन ठीक है फिर मैं अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करती हूँ सबसे पहले मैं क्विज की बात करती क्विज जो होता है वो एक टेस्ट की तरह ही होता है आपको शॉर्ट सिलेबस बता दिया जाता है लाइक वन टू टू या थ्री टॉपिक्स बस इज़ इनफ इतने टॉपिक्स दिए जाते हैं और आपने इसकी प्रिपरेशन करनी होती है और uh, क्विज जो है वो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अच्छा दें और आपके नंबर भी अच्छे हैं क्योंकि यही मार्क्स आपके जो जो फाइनल जी पी एम बनता है ना उसमें ऐड होते हैं जाके ठीक है अब ये फ़ाइव मार्क्स का भी हो सकता है टेंथ का भी फिफ्टी का अब ये जो आपके टीचर्स पे आपके सर जो हैं उन पे डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स का रखने हैं इसके अलावा आता है असाइनमेंट्स ठीक है अब जो स्टूडेंट्स है, जो हैं जो असाइनमेंट जो होती है वो ग्रुप में भी होती है या फिर इंडिविजुअल में भी होती है ठीक है अब स्टूडेंट को इंडिविजुअल एक टॉपिक दे दिया जाता है आपने इस टॉपिक में आप आपने सर्च करने हैं यूट्यूब से सर्च करें बुक्स आपको रिकमेंड की जाती हैं टीचर्स से वहाँ से आप सर्च करें या आप गूगल से सर्च करें और आपका मटेरियल मतलब काफ़ी अच्छा होना चाहिए और असाइनमेंट्स में ताकि आपका नंबर भी अच्छे आ जाए इसके अलावा जो असाइनमेंट्स अगर वो ग्रुप में भी हो सकती है लाइक like टीचर्स जो आपके फाइव टू सिक्स स्टूडेंट्स को ग्रुप बना देते हैं और फिर वो एक टॉपिक रिकमेंड करते हैं और फिर आपने इसके बारे में सर्च करना होता है तो नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन अब अभी हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रेजेंटेशन फिफ्थ सेमेस्टर के बाद स्टार्ट होती हैं अभी हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं प्रेजेंटेशन पेपर प्रेजेंटेशन नहीं प्रेजेंटेशन जो हमने आप क्लास के सामने जो आपको टॉपिक दिया जा, जाता है उसके बारे में हमें सर्च करना होता है फिर उसको पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट करना होता है प्रेजेंटेशन जो होती है वो ग्रुप में भी हो सकती है और इंडिविजुअल भी हो सकती है अभी टीचर पर डिपेंड करता है कि वो ग्रुप में लेना चाहिए या आपसे इंडिविजुअल लेना चाहिए लेकिन ज़्यादातर तो जो प्रेजेंटेशन होती हैं वो ग्रुप में होती हैं ये फाइव टू टेन मार्क्स की प्रेजेंटेशन होती है फिफ्टीन अब ये टीचर्स पर ही डिपेंड करता है इसके अलावा माई फोर्थ पॉइंट इज सेक्शनल मार्क्स सेक्शनल मार्क्स बेसिकली जो होता है क्विज़ असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन इनके मार्क्स होते हैं टोटल ट्वेंटी फाइव ठीक है लाइक आपका क्विज जो है वो हो गया फाइव मार्क्स का टेन मार्क्स की आपकी होगी असाइनमेंट होगी और टेन मार्क्स में अगर आपकी प्रेजेंटेशन होगी तो टोटल ये बन जाएगा ट्वेंटी फाइव मार्क्स और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सेशनल मार्क्स आपके पूरे हों या एक कट जाए या कर कोशिश यही होनी चाहिए कि पूरे हों इसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट मेरा जो है वो है मिड टर्म एग्जाम्स एंड फाइनल एग्जाम्स ठीक है अब जब आपके सेमेस्टर स्टार्ट होता है एट टू नाइन वीक्स के बाद आपके मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं और मिड टर्म एग्जाम्स में आपका जो सिलेबस होता है बहुत ही थोड़ा होता है ज़्यादा ज़्यादा सिलेबस रिकमेंड नहीं करते और फाइनल जो एग्ज़ाम्स आपके होते हैं मिड्स के कुछ ही वीक्स बाद ही आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसमें भी सिलेबस कम ही होते हैं लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं जो मिड्स का सिलेबस भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ठीक है अब जो मिड टर्म एग्जाम जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो थर्टी फाइव मार्क्स का होता है और फाइनल एग्ज़ाम्स होता है फोर्टी मार्क्स का और इसी तरह जो हम सेशनल के मिड टर्म के और फाइनल के मार्क्स प्लस ऐड करते हैं जैसे ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव एन फोर्टी तो ये टोटल हंड्रेड मार्क्स बनते हैं इसका मतलब जो आपका पूरा जो सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट का मार्क्स है वो हो गया हंड्रेड मार्क्स ठीक है ठीक और जो टीचर्स जो हमारी जो यूनिवर्सिटी में ज़्यादा रिकमेंड करती है ऑब्जेक्टिव देती हैं मीन ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑब्जेक्टिव देती है और सब्जेक्टिव पेपर आपका बहुत ही कम होता है लाइक थर्टी फाइव मार्क्स का अगर आपका पेपर आया हो जिसमें से ट्वेंटी या ट्वेंटी टू या ट्वेंटी फोर आपके ऑब्जेक्टिव दे देती हैं एम सी क्यूज दे देती हैं और बाकी जो होता है वो सब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है ठीक है सो मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी पी ए तो स्टूडेंट्स का जब सेमेस्टर सिस्टम आता है लाइक मैं भी जब आई टी एम बी एस करी थी सेमेस्टर सिस्टम में तो मुझे भी पता नहीं था जी पी ए होता क्या है तो जी पी ए इट इज़ बेसिकली स्टैंड फ्रॉम ग्रेड पॉइंट एवरेज ठीक है आ, आपकी कोशिश होनी चाहिए हंड्रेड में से आपके एटी फ़ाइव मार्क्स हैं इफ़ यू गेट एटी फ़ाइव मार्क्स आउट ऑफ हंड्रेड तो आपका ग्रेड ए प्लस होगा और आपका जी पी ए होगा फोर अगर आप हर सब्जेक्ट में एटी फाइव मार्क्स हासिल करते हैं तो आपका जी पी ए फोर टोटल फोर बन जाता है तो फोर जी पी में से ही आपके आना होता है ना तो अगर आपका जी पी ए थ्री पॉइंट फाइव अबव आता है तो वो जी पी ए बहुत अच्छा होता है और थ्री पॉइंट सेवन अबव आता है वो एक्स्ट्राऑर्डनरी आपका जी पी ए होता है तो आपकी अगर आप चाहते हैं आगे कहीं पर जॉब uh, करना तो आपके लिए आपको चाहिए कि अपना जी पी ए जो है वो बेस्ट रखें सी जी पी ए बेसिकली ये होता है दो सेमेस्टर्स का जो जी पी ए को ऐड करते हैं उसकी एडमिश निकालते हैं देन सी जी पी ए निकलते हैं ठीक है कोशिश होनी चाहिए कि आपका सी जी पी भी बहुत अच्छा लगे तो ये सब कुछ मैंने आपको उस मैसेज सिस्टम के बारे में बता दिया और कोई क्वेश्चन आप हो तो, तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मुझे फॉलो कर लें आप पूछ लेना इन शाला मैं ज़रूर आंसर करूँगी इसके अलावा मैं एनुल सिस्टम की बात करूँ जैसे आप एफ एस सी में पढ़ के आए हैं तो ये एनुलल सिस्टम ही होता है और ए अब लाइक मैं अब मेडिकल की बात करूँ मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं मेडिकल कॉलेज में जाते हैं डिफरेंट तो वहाँ पर ये होता है कि सेंटअप्स होते हैं और उसके बाद लास्ट में होते हैं प्रॉफ ठीक है ये हो गया एनुअल सिस्टम मतलब के कि एंड पर जाके आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं और उनको सारा साल पढ़ना पड़ता है लेकिन जो सेमेस्टर सिस्टम में ये है कि जो बुक्स आपने एक सेमेस्टर में पढ़ ली हैं वो बुक्स आप अगले सेमेस्टर में नहीं पढ़ेंगे आपको न्यू बुक्स रिकमेंड की जाएंगी ठीक है इसके अलावा आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है और फाइनल एग्जाम्स में भी आपने अच्छा स्कोर करना है अगर आप मेडिकल कॉलेज़ में आपका एडमिशन हो गया पढ़ते हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपने अपना जो है रिज़ल्ट जो है उसको मेंटेन ज़रूर रखना है सो so, ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब पर ज़रूर कर दीजिए थैंक यू सो अल्लाह हाफिज़